दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं गाय घाट बाजार आया हूँ। ये त्रिपाठी मार्केट है। त्रिपाठी मार्केट में आज हम विजय कुमार जी से मुलाकात आपकी कराते हैं। विजय कुमार जी हाथ का सामान बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट का सामान बनाते हैं, बहुत दिनों से बनाते हैं, और विजय कुमार से आपकी मुलाकात कराते हैं। बगल खड़े हैं सर, अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गाय घाट में रहता हूँ। पूरब चौराहे पर जो त्रिपाठी मार्केट है वहीं पर मेरी दुकान है। तो हैंडक्राफ्ट का काम कब से सीखें, कैसे सीखें, क्या क्या बनाते हैं, कुछ बताएंगे? सर, हम पिछले करीब 10-12 सालों से ही क्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें हाथ से बहुत सारे गिफ्ट बना के लोगों को दिए हैं, जो आगे चल के उसको फैला भी रहे हैं। तो किस तरह का गिफ्ट है, उसका नाम बताएंगे? सर, फूलों का गुलदस्ता हुआ, या जो है लकड़ी का जो चम्मच आता है उससे भी हम लोग नाव वगैरह भी बना लेते हैं, और बुकेट बना लेते हैं, टोकरी बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम। टोकरी किस चीज़ का बनाते हैं? टोकरी सर, ये क्या नाम है, डलिया टाइप में होता है, उसमें फूल वूल लगा के उसको सजाते हैं और उसको गिफ्ट करते हैं। आज आप हमको क्या बनाकर दिखाएंगे, दर्शकों को और हमको भी? सर, आज हम गुलाब का फूल बनाएंगे फॉर्म से, जो आगे चल के बुके और तमाम तरह के गिफ्ट में यूज होता है और उसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो आपके दुकान में, शॉप में हाथ से बना हुआ कोई आइटम हो तो दिखा सकते हैं? बहुत सारे आइटम, जैसे कुछ दिखा दीजिए इम्पोर्टेंट। दस्ता देखिए, मेरा बनाया हुआ है। ये आपका बना जी? ये गुलाब के फूल हैं और उसको हमने जो है ये पेपर में जो है सजा के रखा हुआ है। कैसे बेचते हैं, कौन खरीद के ले जाते हैं इसको? ये सर शादी विवाह में गिफ्ट में जाता है, और बहुत सारे लोगों को उपहार देने के काम में आता है ये, जैसे किसी पार्टी रैली में या शादियों में ये गिफ्ट के काम आता है। और दूसरा? और ये सर है, ये बुके है, इस टाइम में गुलदस्ते, और भी ये डलिया देखिए सर, मेरा बनाया हुआ है ये डलिया। जी, ये इसमें कुछ बताएंगे? सर, इसमें देखिए, पहले नंबर ये पीवीसी पन्नी होती है जो शीशे के आकार का होता है, शीशा जैसा दिखता है ये सर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड है, इसको हम लोग फ्रेम करते हैं, ये लकड़ी की बीट होती है, सब फ्रेम करते हैं इसको मिला के, और हाथ से गुड़िया भी बनाते हैं सर, जो सारा मिला करके एक बढ़िया आकार का बन जाता है, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और क्या बना है, एक दो आइटम और दिखाएंगे? और सर, एक चद्दर है जो हम लोग, ये सर देखिए, चद्दर वगैरह भी हम प्रिंट करते हैं, अभी इसको कलर नहीं कर पाए हैं, डिजाइन तैयार हो गया है सर, ये देख लीजिए सर, इस तरह का, इसमें कलर भर के इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो किससे बनाए हैं ये? ये सर हाथ से बनता है, हाथ से बनाकर फिर प्रिंट किया गया है ये। जी, इसका तकिया भी है हमारे पास, ये देखिए सर। ये काफ़ी मेहनत का काम होता है? हाँ सर, मेहनत तो लगता ही है, कोई एक आइटम बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं सर। 2 से 3 दिन लग जाते जी, मतलब डिजाइन करने से लेकर के पेंटिंग करने का। कोई ऑर्डर दे के आपसे बनवाना चाहे इस तरह का डिजाइन तो बना देंगे? बना देंगे सर। तो अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। सर, मेरा फ़ोन नंबर है 9838213097। इस नंबर से संपर्क करके कोई ऑर्डर दे सकता है? जी जी सर। मैं, हम शादी पार्टी में मेहंदी का भी काम करते हैं, जो हाथों पे लगाई जाती है, उसकी भी डिजाइनिंग करते हैं। और कुछ दिखाना चाहेंगे? और सर, ये गुलाब का फूल ही देख लीजिए, बाकी और बहुत सारे आइटम हैं। सनील के कपड़े पर भी, ये सनील का कपड़ा है सर, उससे हम गणेश जी वगैरह बनाते हैं, वो सब बिक गया। ये देखिए, कप पे प्रिंट का काम करते हैं, ये कप पे प्रिंट, फोटो वगैरह प्रिंट करने का काम करते हैं। ये आप ही कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं बताएंगे? ये सर, हम फोटो लेते हैं, हार्ड फोटो नहीं लेते हैं, जो मोबाइल में खींचते हैं उसको वही फोटो लेते हैं। ये तो हाथ से ही बनाते हैं इसको? ये सर, एक मशीन आती है, बाकी और हाथ का काम होता है। मशीन आपके पास है? मशीन सर यहाँ नहीं रखे हैं, उसको घर पे रखे हैं। घर पे आपके पास नहीं, घर पे? जी सर। आर्डर देने पर बन जाएगा? जी सर। ठीक ठीक, गुलाब का फूल बनाना दिखाएंगे और कोई दिखाएंगे? दिखा दे। ये देखिए सर, हम गुलाब का फूल एक बना के दिखा रहे हैं, इसको लोग अपना YouTube वगैरह चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, और कई लोगों ने यहाँ से सीख के जो है दूसरे लोगों को भी सिखा भी रहे हैं वो। ये देखिए, ऐसे ही फोल्ड करते हैं स्टिक की सहायता से, और धीरे धीरे ये गुलाब के शेप में आ जाता है। ये देखिए सर, काफ़ी राइट आ जाएगा बाजार में। ये देखिए सर, फोल्ड करते जा रहे हैं और ये शेप अपने आप बनता चला जा रहा है।
ये देखिए सर गुलाब का फूल ये तैयार हो गया है। इसी तरह से बहुत सारे गुलाब के फूल हमने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। पत्ती भी लगा दीजिए। हाँ पत्ती भी, पत्ती भी लगा दीजिए। एक मिनट सर, पहले इसको बांध देते हैं हम धागे की सहायता से, ताकि ये खुले ना जितने भी हमने बंधन डाले हैं, क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो फिर सेब बिगड़ जाएगा। ये देखिए सर, सर ये पत्ती आती है आर्टिफिशियल, इसको स्टिक में लगा देते हैं और ये पूरा गुलाब बन गया। इस पर स्प्रे वगैरह मार के इसमें खुशबू भी पैदा कर सकते हैं सर। ठीक है सर, ये देखिए ये बहुत सारे गुलाब के फूल हमारे तैयार हो गए। नीचे भी बने हुए हैं, नीचे भी बने हैं सर।